प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड सुभाष चंद्रा है। तो देखें, सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाष चंद्रा नामक शीर्षक से अवतरित है। ये पूरे चैप्टर में लागू होगा। अब हम पहले अनुच्छेद का जो है हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो किताब खोलकर बैठ जाएं और अध्ययन जारी कर दें। सप्त नवत्यु उत्तर अष्टादश शततमे अब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभुवं लंचकार सप्त नवति। सप्त का मतलब सात, नवत का मतलब नब्बे। तो नब्बे सात 97 उत्तर लिखा है और बाद में अष्टादश शततमे। अष्टादश शत का मतलब 10, 8, 18, शत माने 100, अवधि माने वर्ष में, यानी सन 1897 ईस्वी वर्ष में, 1897 ईस्वी वर्ष में जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की त्रयोविंशति तिथौ, त्रयो माने तीन, विंशति माने 20, 20 3 23, तिथौ माने तारीख को श्री सुभाषः, श्री सुभाष ने स्वजन्मना अपने जन्म से बंगभुवम लंचकार बंगाल की भूमि को सुशोभित किया। फिर से देखें, सन 1897 ईस्वी वर्ष की जनवरी महीने की 23वीं तारीख को श्री सुभाष ने अपने जन्म से बंगाल की भूमि को सुशोभित किया। या इस तरीके से कह सकते हैं कि सन 1897 ईस्वी वर्ष में जनवरी महीने की 23वीं तारीख को श्री सुभाष ने अपने जन्म से बंगाल की भूमि को सुशोभित किया। आगे देखें, अस्य पिता जानकीनाथ बसुः राजकीय प्राण विवाह आसीत। अस्य पिता, इनके पिता जानकीनाथ बसु, जानकीनाथ बसु राजकीय प्राण विवाह आसीत, यानी सरकारी वकील थे। राजकीय माने सरकारी और प्राण विवाह माने वकालत करते थे। तो इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। सुभाषः बाल्यादेव बुद्धिमान धीरः साहसी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत। तो सुभाषः बाल्यादेव, सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयम कलकाता नगरियाम शिक्षा प्राप्य सम्मानिताम IAS परीक्षाम उत्तीर्यापि विदेशी शासनस्य भृत्यत्वं न स्वीकृतवान। देखिए, अयम माने इन्होंने कलकाता नगरियाम, कलकत्ता नगर में शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित IAS परीक्षाम उत्तीर्यापि, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी विदेशीय शासनस्य भृत्यम, विदेशी शासन की भृत्यम माने गुलामी को न स्वीकृतवान, स्वीकार नहीं किया।
इन्होंने कलकत्ता नगर से शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विदेशी शासन की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। आंग्ल शासका नाम भारतीय नाधिकारः, अंग्रेजी शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। अंग्रेजी शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशियाः कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति इति चिंता परो अयम स्वप्रयत्नेन भारतस्य भारतवर्षस्य स्वतंत्रार्थं बहून भारतीयान स्वपक्षे अकरोत्। ते विदेशियाः, वे विदेशी कथम शासनं कुर्वन्ति, कैसे शासन करते हैं या क्यों शासन करते हैं, यानी वे विदेशी हैं क्यों शासन करते हैं भारत में। इति चिंता परो अयम, इस प्रकार की चिंता से युक्त होकर के, अयम माने इन्होंने, स्वप्रयत्नेन अपने प्रयत्न के द्वारा, भारतवर्ष के स्वतंत्रार्थम आज़ादी के लिए या भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, बहून भारतीयान स्वपक्षे अकरोत, बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर से देख लें। आंग्ल शासका नाम भारतीय नाधिकारः, अंग्रेजी शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशियाः कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति, वे विदेशी हैं यहाँ कैसे शासन करते हैं। इति चिंता परो अयम स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वतंत्रार्थं बहून भारतीयान स्वपक्षे अकरोत्। इस चिंता से ग्रसित होकर के इन्होंने अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष की आज़ादी के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में मिला लिया। एवं विधेभ्यः अस्य उग्र विचारेभ्यः भीताः आंग्ल शासकाः इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षिपन्। परमवीरो अयम स्वतंत्रार्थं स्वप्रयासं न अत्यजत्। एवं विधेभ्यः, इस प्रकार, विधेभ्यः माने होता है प्रकार, विधि माने प्रकार, विधि माने तरीका, विधि माने कानून, विधि माने विधाता, कई अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ प्रकार से मतलब है। एवं विधेभ्यः, इस प्रकार से अस्य उग्र विचारेभ्यः, इनके उग्र विचारों से भीता माने डर करके आंग्ल शासका, अंग्रेजी शासकों ने इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षपन, इनको बार बार कारागार में डाल दिया, यानी इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर के अंग्रेजी सरकार ने जो है इनको बार बार जेल में डाल दिया। परम वीरो अयम स्वतंत्रार्थम स्वप्रयासम न त्यजत, लेकिन इस वीर ने, इस बहादुर ने स्वतंत्रतार्थम लिखा है, स्वप्रयासम न त्यजत, स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। इस प्रकार जो है इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर के, डर करके अंग्रेजी शासकों ने इनको जो है बार बार जेल में डाला, लेकिन इस वीर ने जो है स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं त्यागा। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ देखें। सत विंश तरई एकोन विंशति शततमे वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयम सर्वसम्मत्या सभापति वृत्तः। सप्त त्रिंश, सप्त का मतलब सात और त्रिंश का मतलब तीस, तो तीस सात सैतीस, एकोन विंशति
विंशत का मतलब 20 में एको ना, यानी एक नहीं है, यानी 19, 20 में जब एक नहीं है तो 19 तो ही हुआ। तो सप्तत्रिंश उत्तरई एकोन विंशति शततमे, यानी सन 1937 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अयम सर्वसम्मत्या, इनको सब के राय से या सर्वसम्मति से सभापति वृता, सभापति चुना गया। सन 1937 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मत से इनको जो है सभापति चुना गया। अस्य सम्मानार्थं च 50 वृषभयुक्तैः रथे अस्य शोभायात्रा नागरिकैः सम्पादिता। अस्य सम्मानार्थं च माने और इनके सम्मान में 50 वृषभयुक्तैः, 50 बैलों से युक्त रथे अस्य शोभायात्रा, रथ से इनकी शोभा यात्रा नागरिकैः संपादिता, नागरिकों के द्वारा संपादित की गई या संपन्न की गई। इनके सम्मान के लिए 50 बैलों से युक्त रथ की शोभा यात्रा नागरिकों के द्वारा संपन्न की गई। अब जो है तीन पैराग्राफ हो गया है, चौथा देखें। अहिंसा मात्रेण स्वतंत्र प्राप्ति प्रयासः कल्पना मात्रे मेव इति निश्चित सह क्रांतिपक्षम अंगीकृतवान्। अहिंसा मात्र से, यानी केवल अहिंसा के द्वारा स्वतंत्र प्राप्ति प्रयास, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास, कल्पना मात्र इति, मात्र कल्पना है, इति निश्चित ऐसा निश्चय करके सह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान्, उन्होंने क्रांति के पक्ष को स्वीकार किया। अहिंसा के द्वारा, सिर्फ अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास है केवल कल्पना ही है, ऐसा निश्चित करके इन्होंने क्रांति के पक्ष को स्वीकार किया। अहिंसा के द्वारा, लोग कहते हैं दागी ने कहीं तोप तलवार न चलाई, वाह रे फकीर तूने खूब करामात दिखाई, चुटकी में दिया देश से दुश्मनों को निकाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सिर्फ दिखावा है। अहिंसा के द्वारा जो है कुछ नहीं हो सकता था। जो भी आज़ादी मिली हिंदुस्तान को तो हमारे नौनिहालों के बल पर, उनके उग्र स्वभाव के ऊपर जो है तोड़ फोड़ और दंगे फसाद मर्डर के ऊपर, ऐसी हरकत से जब घबरा करके अंग्रेज भागे हैं तब जा करके हमको आज़ादी मिली, न खून की नदियां बहाने से आज़ादी मिली हैं। अहिंसा के द्वारा एक कुत्ता भी आपकी थाली में खाना खाए और उसको सहलाओ, हटो भैया दूर रहो दूर रहो, बड़े प्यार से और खा लेगा। और यहाँ इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आए और अहिंसा के द्वारा भाग गए, संभव नहीं। तो जो भी यहाँ तोड़फोड़ हुई, जो भी खून खराबा हुआ, इसके डर से जो है अंग्रेज भाग के गए। इन्होंने देखा कि मात्र अहिंसा से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, केवल सोचना है। अंग्रेज जाएंगे, देश आज़ाद होगा, तो सिर्फ यानी खून के धारा बहाने से, तब इन्होंने क्रांति के पक्ष को स्वीकार किया। आगे देखें। अस्यो उग्र क्रांते भीताः आंग्ल शासकाः पुनरीम कलकाता नगरियाम कारागारे अक्षिपन्। अस्यो उग्र क्रांते, इनके उग्र
क्रांत से भीता भयभीत होकर के आंग्ल शासक अंग्रेजी शासक पुनरिम इमाम लिखा है, पुनः धन इमाम बराबर पुनरिमाम, पुनः इमाम माने इनको कलकत्ता नगर याम कारागारे कलकत्ता नगर के कारागार में अक्षिपन माने डाल दिया। इनके उग्र क्रांत से भयभीत होकर के अंग्रेजी सरकार ने इनको पुनः कलकत्ता नगर के जो है कारागार में डाल दिया। कष्ट कर इमम वृत्तांतम श्रुत्वा सुभाष अनुरक्तानाम भारतीयानाम हृदयम विरेत। कष्ट कर इमम वृत्तांतम, कष्ट कर माने दुखदाई, इमम माने इनके वृत्तांतम माने चरित्र को, श्रुत्वा माने सुन करके, सुभाष अनुरक्तानाम सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीय नाम हृदय विदिरत भारतीयों का हृदय फट गया। इनके दुखदाई वृत्तांत को सुन करके या कष्टमय जीवन के बारे में सुन करके सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीयों का हृदय फट गया, द्रवीभूत हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। एकदा रात्रौ निद्रावशी भूतेश कारागार निरीक्षकेशु वीरो अयम सहसा समुत्थाय सठे साठ्यम समाचरेत इति नीतिम अनुसरण श्रेष्ठ सिद्धि काम यमानश्च सिद्धिदात्री जगदम्बा संसमृत्य कारागारात बहिर्गतः। एकदा रात्रौ निद्रावशी भूतेश, एक दिन या एक बार रात्रि में निद्रावशी भूतेश कारागार निरीक्षकेश कारागार के निरीक्षकों के द्वारा निद्रा में हो जाने पर, यानी एक बार जब कारागार के जो जेल के पहरेदार थे वो सो गए तब क्या हुआ। वीरो यम सहसा समुत्थाय, यह वीर अचानक उठ करके सठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इति नीतिम अनुसरण, ऐसा नीति का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ सिद्धि कामना, अपनी इष्ट सिद्धि की कामना के लिए, अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति के लिए सिद्धदात्री जगदम्बा सिद्धि को देने वाली जगदम्बा का संस्मृत स्मरण करके कारागारात बहिर्गता कारागार के बाहर आ गया। एक बार जेल के पहरेदारों के नींद में होने पर यह वीर जो है अचानक उठ करके दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इस नीति का अनुसरण करते हुए अपनी इष्ट सिद्धि के लिए सिद्धदात्री जगदम्बा का स्मरण करके जो है कारागार के बाहर निकल गया। अब जो है आखिरी पैराग्राफ देखें, यानी पांचवा जो है, प्रातः सुभाषम न अवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षका आश्चर्यचकिता जाता। प्रातः सवेरे सुभाषम न अवलोक्य, सुभाष को ना देख करके सर्वे कारागार निरीक्षका सभी कारागार के निरीक्षक आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गए। जब सुबह हुई तो देखा कि ये सुभाष चंद्र बोस, जब प्रातः काल हुई तो कारागार के निरीक्षकों ने देखा कि सुभाष चंद्र गायब है, तो आश्चर्यचकित जाता, आश्चर्यचकित हो गए। वृषम अन्यस्यापि ते प्राप्तुम न शक्नुवन्, वृषभ है, वृषम लिखा है, अन्यस्यापि बहुत छानबीन करने के बाद, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, तो वृषम अन्यस्यापि अत्यधिक छानबीन करने के बाद ते प्राप्तुम न शक्नुवन्, उन को जो है
वह लोग प्राप्त नहीं कर सके। यानी बहुत छानबीन की गई, लेकिन जो है कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगा, प्राप्त नहीं कर सके। कारागार बहिरागत, कारागार से बाहर आकर के सुभाषा सुभाष वेश परिवर्तनम विधाय पुरुषपुरम यानी पेशावर नगरम अगच्छत। कारागारात कारागार से बहिरागत मने बाहर आकर के सुभाषा सुभाष ने वेश परिवर्तनम विधाय अपने वेश बदल करके पुरुषपुरम यानी पेशावर नगरम अगच्छत पेशावर नगर आ गए। कारागार से बाहर आकर के सुभाष ने अपना वेश परिवर्तन किया, रूप बदल लिया और जो है पेशावर नगर पहुंच गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना बड़जोगे हे कश्चित कालम अवसत। तत्र मनी वहां यानी पेशावर में उत्तम चंद्र नामना बड़जो, उत्तम चंद्र नामक व्यापारी के गेह बने घर में कंचित कालम औसत कुछ समय रहे। पेशावर में उत्तम चंद्र नामक व्यापारी के घर में कुछ समय तक रहे। ततश्च आंग्ल शासकैः अवधान पूर्वकम् निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गतः। ततश्च और इसके पश्चात आंग्ल शासकैः अंग्रेज शासक के द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा अवधान पूर्वकम निरीक्षणे सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने कृते अप लिखा है, करने के बाद भी जियाउद्दीन इति नामना जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देशम गता जर्मनी देश चले गए। देखें और इसके पश्चात अंग्रेजी शासकों के बहुत ही सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद भी जियाउद्दीन नाम से ये जर्मनी देश चले गए। यानी जियाउद्दीन अपना नाम रखा और कहाँ चले गए, जर्मनी। तत्रत्य शासकेन हिटलर नाम केन सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जयपाणी देशम गतः। तत्रत्य लिखा है शासकेन, वहां के शासकेन माने शासक हिटलर नाम के, हिटलर नामक के द्वारा सह मैत्रीं विधाय उन्होंने मित्रता कर ली। वायुयानेन वायुयान के द्वारा जयपाल देशम गता, वायुयान के द्वारा जो है जापान देश गए। तत्रत्य शासकेन हिटलर नाम के सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जयपाणी देशम गता, वहाँ के शासक हिटलर से इन्होंने मित्रता करके वायुयान से जो है जापान गए। तो प्यारे छात्रों, ये जो है आज इतना हिंदी अनुवाद हो चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आधा जो बच रहा है इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने भेजेंगे, क्योंकि जो है सेंड करने में प्रॉब्लम आती है, MB जो है अतिरिक्त जो है खर्च होती है, तो इसलिए जो है इस चैप्टर को हम दो भागों में आपके सामने रखेंगे। तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मित्रों को जोड़ते रहें, आपकी उन्नति हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पढ़ो लिखो, खुद को पहचानो, उठो बढ़ो मजदूर किसानों, आप जो है आगे बढ़ते रहें और पीछे सपोर्ट करने के लिए हम आपका सहयोग करते रहेंगे। हम आपको जो है इंजन की तरह घसीटेंगे और आप जो है डिब्बे की तरह पीछे आगे बढ़ते जाए। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मित्रों को शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।